आउटडोर चैनल गाइस। सो आज हम हैं दीघा में, आज हम रुके हैं होटल डॉल्फिन में। सो आपको यहाँ का दिखाते हैं प्यारा सा व्यू और आपको एंजॉय कराएंगे दीघा का प्यारा सा व्यू। हमारा होटल डॉल्फिन काफ़ी अच्छा रूम है इसका। इधर का पार्क है, कहाँ जा रही हो आयत? इसको तो पार्क झूला झूलना है सिर्फ, इतना धूप है फिर भी झूला के लिए जा रही है आयत। काफ़ी अच्छा होटल है ये, प्यारा सा व्यू है इधर का। और बच्चों को चाहिए सिर्फ झूला झूलना आयत। चलो धूप है, चलो। ये सारे होटल रूम से ना बालकनी दिया हुआ है। और ये जो होटल है ये G+2 है। और इधर पार्किंग का भी सुविधा दिया हुआ है, बच्चों के लिए झूला का सुविधा दिया हुआ है इधर। आया चलो चलो, मैं जा रहा हूँ फिर। तो आया, तब हम जा रहे हैं अपने होटल रूम में। होटल रूम में कैसा है रूम आयत, बोलो? अच्छा है। इसमें देख के बोलो कहाँ आई हो? मैं दीघा आई हूँ। ठीक है गाइस, मेरे साथ रिसेप्शन। और ये कॉरिडोर है और हमारा जो रूम है वो है 301 और 302। ये यहाँ का कैफेटेरिया है। चलो यहाँ पे आप बैठ के गेम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। और इधर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये रहा हमारा रूम, और एक ये रहा 302। बेल कर रही है, ये है रूम। चीज दिया हुआ है। अब वो असर भैया बालकनी है, देखिए ये रहा प्यारा सा बालकनी से व्यू। इधर आओ, अभी हम आ चुके हैं दीघा बीच पे, जो कि ये ओल्ड दीघा बीच है। आपको दिखाते हैं यहाँ कितना सा प्यारा प्यारा सजाया हुआ है बैठने के लिए। और यहाँ पे जेसीबी भी खड़ी है, पता नहीं किस लिए। और ये काफ़ी अच्छे स्पेस यहाँ पे बनाए गए हैं बैठने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं बीच पे, बहुत सारे लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे वाव मोमो भी है और यहाँ पे आई लव दीघा का सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है। इसका फोटो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पे काफ़ी धूप है यार यहाँ पे तेज, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, आपको दिख रहा है जैसा कि। और ये काफ़ी शरारती बच्चा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। तुम्हारा वीडियो आएगा भाई यूट्यूब में, तुम्हारे अब्बू देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है, किसी को जाना है तो जा सकता है। और बाकी इधर बहुत काफ़ी मार्केट है इधर। वाओ, ये सारे मार्केट लगे हुए हैं इधर। ये शाम को बहुत प्यारा दिखता है, आपको मैं शाम का वीडियो दिखाऊंगा, शाम का क्लिप दिखाऊंगा इसी वीडियो में। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बीच को, काफी लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ जाके एक बार डुबकी लगा लूं। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे है होटल ब्लू व्यू। ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे रुके हुए हैं, ये नाव जा रही है। स्पेशल मोमोज, यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी इंतजाम है भाई साहब। यहाँ फिश मार्केट बहुत सारे हैं, काफ़ी टेस्टी फिश मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और ये बच्चा काफ़ी शरारती बच्चा है, डांस कर रहा है यहाँ पे। ये नाच है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं बीच पे, मैं भी सोच रहा हूँ जाके एक बार नहा लूँ, बट काफ़ी धूप है। लेकिन दीघा आओ और ना नहाओ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का मज़ा असल नहाने में ही है बीच पे। यहाँ पे नारियल बिक रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स रूम हैं। यहाँ पे आ चुके हैं बीच के सामने, और पूरी फैमिली पीछे आ रही है, और हमारे साथ है आयत, और हम लोग अभी शाम का यहाँ का प्यारा सा व्यू देख रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर, काफ़ी सुकून है इधर। और दिखाते हैं यहाँ का प्यारा सा माहौल आपको। ठीक से अभी गिर गई ना। यहाँ पे वाव मोमो का लगा हुआ है, इधर सारे लोग चिल कर रहे हैं, काफी प्यारा नजारा है यहाँ से। कितना अच्छा लग रहा है उधर, काफी क्राउड है यहाँ पे, और रात होने में और अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आई लव दीघा का, तो यहाँ का आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
वाओ। आज ब्लॉग का सेकंड डे है और हम अभी जा रहे हैं बीच पे आज सुबह का नज़ारा दिखाने के लिए आपको। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बीच पे थोड़ा सा आपको जाके प्यारा सा व्यू दिखा रहे हैं, अभी होटल से जस्ट निकल रहे हैं और अभी आज हमारा ट्रेन भी है 10:35 में और पीछे का होटल रूम जिससे हम लोग कभी बाहर आए और ये सारे बच्चे को यहाँ पे छोड़ छाड़ के हम लोग जा रहे हैं बीच पे, थोड़ा सा घूम के वहाँ से आते हैं 10-15 मिनट और फिर नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। ये जो जितने भी इधर आपको घर दिख रहे हैं ना, ये सारे होटल्स रूम हैं और ये है मिलन होटल और वो है होटल आटलैंड। आप उसको कहीं से भी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और सामने जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे राइट साइड में जो भी दिख रहे हैं ये सारे रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की जगह हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे, काफ़ी कॉस्टली है इधर और जाहिर सी बात है टूरिस्ट प्लेस पे कॉस्टली होगा ही। ये है होटल आटलैंड और ये जो जितने भी कार दिख रही हैं सारे कार से लोग आए हुए हैं घूमने के लिए टूरिस्टर्स। ये है दीघा ढाबा, हमारे पीछे जो दिख रहा है ये है होटल आटलैंड ये वाला और यहाँ पे है विश्व बांग्ला। इसमें ममता दीदी आती है तो ठहरती है और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं इससे, और साइड में भी होटल्स रूम हैं बहुत सारे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए हैं और आउटसाइडर भी अलाउ हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ सकते हैं, बट जो प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे पहले वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया जाता है। हम लोग अभी ओल्ड दीघा में हैं, अभी हम लोग बीच के पास पहुँचने वाले हैं और ये है एंट्रेंस। और ये ओल्ड दीघा बीच जो है काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है और यहाँ पे पीछे में सारे बैठने के लिए स्पेस है और चिल करने के लिए स्पेस है और यहाँ पे जो है खूबसूरती काफ़ी अच्छी है यहाँ पे ओल्ड दीघा में। न्यू दीघा में खास ज़्यादा नहीं है कुछ भी, लेकिन ओल्ड दीघा में आप आते हैं तो आपको होटल्स रूम बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर बैठने के जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अभी आप सुबह का व्यू इन्जॉय कीजिए, आपको एक शॉट दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ का प्यारा सा व्यू और अभी हम आपको जा रहे हैं कुछ खरीदना है और यहाँ का दाब बहुत फेमस है तो आप यहाँ पे आके नारियल पानी जिसको बोलते हैं बांग्ला में, तो दाब भी मैं सुना हूँ यहाँ पे, तो मैं चल रहा हूँ दाब पीऊँगा अभी और 9 बजने वाले थे, यहाँ से निकलना भी है मेरे को, जाके नाश्ता करना है और फिर पैक सेक तो सामान हो चुका है, 10:35 में ट्रेन है हमारा, तो यहाँ पर नारियल पानी बिक रहा है यहाँ से पी के और निकलना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ बेटा दादा क्या करे, कौन टा आछे छोटा टा सुधु जल आछे दिए दा दुटो 30 টাকা দামে দুটো ভালো করে দেখে দিয়ে দাও। খুচরো আছে তো 500 টাকা যা।
दिए था। हाँ गाइस, नारियल पानी ले चुके हैं, ये रहा, अब इसको पीते हैं। काफी मीठा और काफी रिफ्रेशिंग पानी है भाई। दीघा में और नारियल पानी ना पियो ना नहाओ, ये हो नहीं सकता। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, आई लव दीघा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो गेट है ना, काफी प्यारा गेट बना हुआ है, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये स्पॉट आई लव दीघा का है और इसी के जस्ट बगल में है आपका ये गेट प्यारा सा, और वहाँ पे लिखा हुआ है बिसो बांग्ला। यहाँ पे वाव मोमो मैंने रात को भी आपको दिखाया था। और ये जो गेट है काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी मस्त नज़ारा है भाई यहाँ से। अभी तो हम आ चुके हैं किनारे पे, लेकिन काफ़ी मन है नहाने का, लेकिन निकलना भी है यहाँ से। ये पानी देखकर, ये लहर देखकर नहाने का बहुत मन कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अभी तो निकलना है हमको। काफ़ी सारे लोग अभी भी नहा रहे हैं उधर, थोड़ा सा उठने में लेट हो गया हम लोगों को, अदरवाइज हम लोग भी नहा लेते। वाओ 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 आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। आ गया है दीघा को बाय बाय बोलने का, और ये है दीघा स्टेशन। इसके सामने में ये होटल ली रोई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम अब निकल रहे हैं दीघा को बाय बाय बोल करके। हमारी जो ट्रेन है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से है। निकल रहे हैं यहाँ से हावड़ा के लिए, अभी काफ़ी टाइम है, हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा स्टेशन में।